क्लास ट्वेल्थ के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आपकी बुक रेनबो का चैप्टर 9, अ वॉक थ्रू द फायर, आग में होकर चलना या आग में होकर निकलना। इस लेसन का पार्ट 1 हमने क्लियर कर लिया था। वहाँ हमने देखा था कि एक सोल्जर है, सिपाही, सैपर कैंप में था। वो सैपर कैंप, सैपर में वो सिपाही होते हैं जो रोड या ब्रिज निर्माण का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं। बेगमपेट हैदराबाद की याद आई उसे, और वो कैसे आई, वो अपने घर पर लॉफ्ट में टांड पे रखा हुआ एक संदूक देखा उसने, और उस संदूक के सामान को, कंटेंट को वो व्यवस्थित कर रहा था, तो उसे एक स्लैक्स पजामा नजर आया। उस पजामे की जो नीचे से वो उसके किनारे जो थे वो जले हुए थे। वो जले हुए कैसे थे, उसने वो घटना याद की कि 1947 के अर्ली प्रारंभ में वो भारत में उसकी पोस्टिंग हो गई थी बेगमपेट हैदराबाद में, और वो एक दिन सिकंदराबाद से लौट रहा था अपना ट्रक लेकर के, जहां उसने चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाया था। तभी वो एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ से जो रोड था वो दो हिस्सों में बट रहा था। उसने अपना ट्रक बाईं ओर मोड़ लिया था, दाईं ओर लेकिन फॉक्स पड़ा था हेडलाइट का, तो उसने देखा कि वहाँ कुछ था। उसने ट्रक वापस लिया तो देखा उसने लाइट में कि कुछ आकृतियाँ हैं, वो भाग रही थी, पागलों की भांति भाग रही थी। और वो उतर के गया है ट्रक में से, उसने देखा कि वहाँ एक सफ़ेद कपड़ों का एक ढेर सा है, और नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये कोई वृद्ध भारतीय व्यक्ति है। उसको बहुत चोटें आई थी, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। जब सैनिक ने उससे पूछा कि ये कौन थे, तो उसने बताया कि ये एंग्लो इंडियंस थे, और उसने बताया कि ये मुझे ज़्यादा चोट नहीं पहुँचा पाए क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। जब सैनिक ने पूछा कि तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा और तुम्हें बचाऊँगा, उसने कहा कि कुछ बातों का केवल कुछ लोगों को ही पता रहता है। और वो उसको अपने ट्रक में बिठाकर उसको ले गया, और उसका जो गंतव्य स्थान था फिरोजगुड़ा, वहाँ ले जाकर उसने छोड़ दिया। और सैनिक ने क्या किया था कि उसको अपना हैंकी, अपना रुमाल निकाल के दिया था, जिससे कि वो अपना चेहरे पर ब्लड को साफ कर सके। आज पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और उसने कहा ट्रक में से उतर कर कि मैं तुम्हारा रुमाल तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन कब और कैसे लौटाऊंगा ये नहीं बताया। जब सैनिक उससे पूछना चाहता था, इससे पहले ही वो फेडेड इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में कहीं ओझल हो गया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे से। यहां से ये पार्ट 2 मैंने यहां से कहा था कि ये पार्ट 2 रहेगा हमारा, तो वहां तक का लेसन हमने क्लियर कर लिया था ऊपर तक का, लेकिन अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। अ फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, एंड दैट नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव कोइंसाइडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाइज ऑफ कैनेडियन कैंट बियर एट द कैंप। अ फ्यू वीक्स लेटर, उस घटना के कुछ सप्तों के बाद ही, माई पोस्टिंग केम थ्रू, मेरी नियुक्ति हो गई थी टू जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के मुख्यालय पर हो गई थी मेरी नियुक्ति। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, और मुझे जब अगले दिन जाना था उससे पहले वाली रात को, कोइंसाइडेड संयोगवश विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाइज, एक ताज़ा खेप पहुंची थी, सप्लाई मींस खेप, एक ताज़ा खेप पहुंची थी, ताज़ा ताज़ा सामान आया था, ऑफ कैनेडियन कैंड बियर एट द कैंप, हमारे शिविर पर कैनेडियन बियर, कैनेडियन शराब की ताज़ा ताज़ा सप्लाई हुई थी उसी रात को, जिसके अगले दिन मुझे जाना था। इट ऑल्सो कोइंसाइडेड, ये भी एक संयोग हुआ था, विद द विजिट टू द कैंप ऑफ अ रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस लेड बाई अ जेंटलमैन नॉन एज प्रोफेसर राव,
who were said to perform amazing feats of strength. It also coincided, ये भी एक संयोग हुआ था उसी रात, with the visit to the camp, कि हमारे कैंप में विजिट किया था, हमारे कैंप में भ्रमण किया था, हमारे कैंप में आए थे a remarkable troop of Indians, भारतीयों का एक दल, ट्रुप, भारतीयों का एक दल आया जो कि कैसा था, रिमार्केबल, एक महत्वपूर्ण, एक यादगार दल आया हमारे शिविर में, led by a gentleman, जिसका नेतृत्व किया गया था by a gentleman, एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा, known as प्रोफेसर राव, जिसका नाम क्या था, प्रोफेसर राव के नेतृत्व में एक दल, भारतीय दल हमारे कैंप में आया, प्रोफेसर राव who were said, जिसके बारे में कहा जाता था to perform amazing feats, राव ताकत के अद्भुत, amazing, आश्चर्यजनक feats, कारनामे करके दिखाते हैं, तो अद्भुत और आश्चर्यजनक कारनामे करने वाला एक दल उसी रात को हमारे कैंप में आया. Entertainment at the camp was practically non-existent at that time, and therefore this show, which had been led on by the welfare officer, was something to be missed. Entertainment at the camp, हमारे शिविर में जो मनोरंजन था, was practically non-existent. ये व्यवहारगत रूप से non-existent था, means allow नहीं था किसी तरह का मनोरंजन का प्रोग्राम हमारे शिविर में हो, ये अस्तित्व में नहीं था, इस बात की अनुमति नहीं थी at that time, उस समय. And therefore, इस कारण this show, यह प्रदर्शनी which had been led on, जो आयोजित की गई थी by the welfare officer, हमारे जो welfare अधिकारी थे, कल्याणकारी अधिकारी, उन अधिकारियों के द्वारा जो ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, was something not to be missed, इसे हम चूकना नहीं चाहते थे, इसे हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसे हम देखना चाहते थे. So, after having celebrated well, but not all that wisely, we went along to watch it. So, इसलिए, after having celebrated well, अच्छी तरह से मनोरंजन करने के बाद, अच्छी तरह से आनंद लेने के बाद, किसका? Canadian beer, Canadian जो दारू शराब आई थी, उस शराब का अच्छा आनंद लेने के बाद, but not all that wisely, लेकिन पूरी बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि हमारी शराब के नशे में थी, तो पूरी बुद्धिमानी के साथ नहीं, we went along to watch it, हम भी चले गए इस प्रदर्शनी को देखने के लिए, पूरी बुद्धि हमारा साथ काम नहीं कर रही थी, थोड़ा सा हम नशे में थे. In actual fact, वास्तव में तथ्य था, we went along with the intention of taking the Mickey, हम तो इस इरादे से गए थे, intention, हम तो केवल मनोरंजन के इरादे से गए थे, मिकी मिस आनंद और मनोरंजन, हम तो मनोरंजन और आनंद के इरादे से गए थे, but after a while, लेकिन थोड़ी देर में, like everyone else was there, जैसे कि हर कोई वहां पे था, we stayed to wonder, हम आश्चर्य के साथ वहीं ठहरे रह गए, जो अद्भुत कारनामे उन्होंने दिखाए, उस अद्भुत कारनामे से हम आश्चर्यचकित हो गए और वहीं पे ही ठहरे रह गए. It was truly an amazing performance. ये वास्तव में अद्भुत performance, अद्भुत प्रस्तुति थी. Amazing means आश्चर्यजनक, performance means कारनामा या प्रस्तुति, बहुत ही अद्भुत कारनामा था. When we arrived, जब हम पहुंचे, the professor who looked nothing like a strong man, जो professor था, वो कोई strong man नहीं था. Looked nothing like a strong man, कोई ताकतवर आदमी जैसा नहीं दिखता था. Had just called for 12 volunteers from the audience. उसने 12 स्वयं सेवकों को बुलाया, volunteers, जो अपनी इच्छा से चल के आते हो, इच्छा से जो काम करते हो, अपनी स्वयं की इच्छा से काम करने वाले को क्या कहते हैं, volunteers. तो उसने 12 स्वयं सेवकों को बुलाया, कहां से, audience से. Whose task it was, जिन 12 लोगों का काम था, it was to bend an iron bar around his neck, कि उसकी गर्दन के लगाकर, उसकी गर्दन से लगाकर मोड़ना था एक लोहे की छड़ को,
आयरन वार्मिस, लोहे की छड़ और बैंडमिस मोड़ना, इन 12 लोगों का काम था कि वो गर्दन पर लगाकर, प्रोफेसर राव की गर्दन पर लगाकर लोहे की छड़ को मोड़ें, ये काम था उनका। द आयरन बार प्रोवाइडेड, लोहे की छड़ उपलब्ध करा दी गई थी, लोहे की छड़ उपलब्ध करा दी गई थी। द आयरन वार वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द मिडिल ऑफ इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रॉट। द आयरन वार प्रोवाइडेड, लोहे की छड़ उपलब्ध करा दी गई थी फ्रॉम द कैंप स्टोर, शिविर के भंडार गृह से, वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, ये 12 फीट लंबी थी, एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली, और प्रोफेसर ने इसको लंबवत रख लिया था, विद द मिडिल ऑफ इट, और इसका बीच का हिस्सा, बीच के हिस्से से दबा लिया था, किस चीज़ को, अगेंस्ट हिज थ्रॉट, अपने गले पर, इसके 6 फीट इधर छोड़ दिया था, 6 फीट दाईं तरफ और 6 फीट बाईं तरफ छोड़ दिया, और बीच में से अपने गले पर टिका लिया था उसने इस लोहे की छड़ को। ही देन अरेंज्ड द वॉलेंटियर्स 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, और फिर उसने दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, 6-6 स्वयं सेवकों को व्यवस्थित कर दिया था। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलेंटियर्स बिगिन टू पुश विद ऑल दियर माइट एंड द आयरन बार वॉज बेंट इन टू अ यू शेप अराउंड हिज नेक। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर के संकेत पर, द वॉलेंटियर्स बिगिन टू पुश, जो स्वयं सेवक थे, धक्का देने लगे विद ऑल दियर माइट, अपनी पूरी ताकत से, एंड द आयरन बार वॉज बेंट, और वो आयरन की जो छड़ थी, लोहे की जो छड़ थी, वो मुड़ गई इनटू यू शेप, यू की आकृति में, अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के इधर और उधर मुड़ गई थी। तो 6 फीट इधर 6 फीट उधर उन्होंने धक्का दिया जोर से, तो प्रोफेसर राव नहीं हिले, बल्कि वो लोहे की छड़ उनके गले पर लग करके मुड़ गई थी। अदर फीट्स फॉलोड, इसके बाद दूसरा कारनामा हुआ, बट लेकिन द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वॉज अनफॉर्गेटेबल, लेकिन प्रोफेसर का जो अंतिम प्रस्तुति थी, अंतिम जो कारनामा था, वो ना भूलने योग्य था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, इससे पहले कि उसने उसकी प्रस्तुति दी, वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, वेलफेयर जो ऑफिसर था, कल्याणकारी जो अधिकारी था, उसने घोषणा की, दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस, कि उसने जोर दिया है, द प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट, और जोर देने पर प्रोफेसर ने एक लिखित दस्तावेज पर साइन कर दिए हैं, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, कि यदि प्रोफेसर को कुछ हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी को किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स ले लिया था प्रोफेसर राव से, वेलफेयर ऑफिसर ने, कि कोई भी यदि दुर्घटना तुम्हारे साथ घट गई, तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स, ये केवल इन्हीं शर्तों पर था, दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, कि प्रोफेसर को अनुमति दी गई अपना अंतिम कारनामा दिखाने की। इसी शर्त पे अनुमति दी गई कि यदि तुमको कुछ हो जाएगा तो ब्रिटिश आर्मी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ए 5 टन का, 5 टन, 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो। तो ए 5 टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन का आर्मी का ट्रक, वॉज देन ड्रिवन इन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, जो दर्शकों ने एक गोला बना रखा था, उस गोले के केंद्र में बीचों बीच एक 5 टन वजनी ट्रक को चलाकर लाया गया, और जहां दर्शक खड़े थे उस गोले के बीच में ट्रक को खड़ा कर दिया। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड,
और ये गोला ही एकमात्र मंच था जिसका प्रोफेसर उपयोग करता था अपनी प्रदर्शनी, अपनी कारनामा दिखाने के लिए। तो उस गोले में ट्रक को लाके खड़ा कर दिया। ही ले डाउन अंडर द ट्रक सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट टू फॉर्म अ क्रूड रैम्प अप विच द ट्रक कुड बी ड्रिवन। ही ले डाउन, वो लेट गया अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे, सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन, वो इस तरह से लेटा कि उसकी जो चेस्ट थी वो सीधी आ रही थी विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, पिछले पहिए के नीचे, उसकी चेस्ट पिछले पहिए के नीचे आ रही थी, कुछ इस तरह से लेटा वो। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और एक पुराना रेलवे का लकड़ी का फट्टा, स्लीपर लकड़ी का फट्टा, वॉज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट, और वो लकड़ी का फट्टा उसकी चेस्ट पे रख दिया गया, प्रोफेसर राव की चेस्ट पे, टू फॉर्म अ क्रूड रैम्प अप, जिससे कि वो फट्टा एक ढलान बन जाए, बेकार सा ढलान था जिससे कि उसका टायर चढ़ जाए और उतर जाए। बिच द ट्रक कुड बी ड्रिवन, जिससे कि उस फट्टे पर होकर ट्रक को निकाला जा सके। तो इस तरह से फट्टा उसकी चेस्ट पे रख दिया, उसको एक रैंप का रूप दे दिया, फट्टे को तख्ता कह सकते हैं हम, तख्ता रख दिया उसके चेस्ट पे लकड़ी का। द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट। द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली, फिर जल्दी से ट्रक को चलाया गया फॉरवर्ड, आगे की ओर, सो दैट, जिससे द रियर व्हील बेंट अप, जिससे कि पिछला टायर निकल जाए द रेलवे स्लीपर, उस लकड़ी के फट्टे के ऊपर, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और वो प्रोफेसर की चेस्ट को पार कर जाए टायर। तो क्योंकि चेस्ट के ऊपर फट्टा रखा हुआ था, तो इस तरह से जल्दी से ट्रक निकाला गया कि वो लकड़ी के फट्टे के ऊपर होकर, नीचे जो चेस्ट थी उसके ऊपर होकर ट्रक निकल जाए। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, ये उतना ही सामान्य और बहुत बुरा लगा दिखने में कि एक व्यक्ति की चेस्ट के ऊपर से, बहुत ही भद्दा लगा, बहुत ही सामान्य सा और बहुत भद्दा लगा कि एक व्यक्ति के चेस्ट के ऊपर से ट्रक निकल गया। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इन टू इट, और जो ट्रक का पीछे का हिस्सा था, द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली जानबूझ करके कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इन टू इट, जितने लोग उसमें बैठ सकते थे संभावित लोग, उतने लोग ट्रक में बैठे हुए भी थे, और फिर भी ट्रक को उसकी चेस्ट पे होकर के निकाला गया। बहुत ही अद्भुत कारनामा था ये। देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप, और एक दूसरा भारतीय था। देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग अ शैलो ट्रेंच अबाउट 10 feet लॉन्ग एंड 2 or 3 feet वाइड। देयर वॉज अनदर इंडियन, एक और भारतीय था विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ में, एंड हिज ट्रूप, प्रोफेसर और उसके दल के साथ एक और भारतीय था, हु टुक नो पार्ट, जिसने कोई हिस्सा नहीं लिया, इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट, इस ताकत के कारनामे में या ताकत की प्रस्तुति में उसने कोई हिस्सा नहीं लिया, बट स्पेंड द एंटायर टाइम, उसने अपना पूरा समय व्यतीत किया डिगिंग अ शैलो ट्रेंच, एक खाई खोदने में, और वो भी कैसी शैलो, थोड़ी सी ज्यादा गहरी नहीं, सैलो, थोड़ी उथली सी छिछली सी खाई खोदी उसने, अबाउट 10 feet लॉन्ग, 10 feet लंबी, एंड 2 or 3 feet वाइड, और 2 or 3 feet चौड़ी खाई उसने खोदी, 10 feet लंबी और 2 or 3 feet चौड़ी खाई उसने खोदी। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस। By the time, जिस समय तक the professor had finished his act, जिस समय तक प्रोफेसर ने अपना
कारनामा समाप्त किया। दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड, इस खाई को भर दिया गया था विद रेड हॉट कोल्स, लाल दमकते हुए कोयलों के साथ, फ्रॉम द कुक हाउस, और इन कोयलों को लाया गया कुक हाउस से, जहां खाना बनता था इन सिपाहियों का, कुक हाउस भोजनालय भोजनशाला, जहां खाना बनता था वहां से लाल और दहकते कोलों कोयले लाए गए और उस खाई में वो भर दिए गए। देर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, इस आग की खाई के बारे में कुछ भी मनोरंजक नहीं था। आग वाली जो खाई थी इसमें कोई भी मनोरंजन की चीज नजर नहीं आई। वी गैदर्ड अराउंड इट एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, हम इस खाई के चारों ओर खड़े हो गए और इससे जो गर्मी आ रही थी वो बड़ी इंटेंस थी, बड़ी तीव्र थी। दिस इंडियन रादर एन एल्डरली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम अ नियर बाई बकेट ओवर इज बेयर फीट एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच। दिस इंडियन, यह भारतीय, रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये वृद्ध और सज्जन पुरुष सा था, देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, ये खाई के एक किनारे पर खड़ा हो गया, स्प्लैश्ड वाटर, पानी छिड़का उसने, फ्रॉम अ नियर बाई बकेट, पास ही रखी एक बाल्टी से या टोकरी में से, ओवर इज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों पर उसने पानी छिड़का, एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, और फिर उसने प्रारंभ कर दिया, चल दिया, वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी उसने, टू वॉक, चलने की, ओवर द रेड हॉट कोल्स, उन लाल दहकते कोयलों पर चलने की कार्रवाई स्टार्ट की उसने, अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, और वो पूरी लंबाई, खाई की जो पूरी लंबाई थी उस पूरी लंबाई पर वो चल गया था। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, ये अविश्वसनीय दृश्य था, इनक्रेडिबल। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट एज ही स्लोली वॉक्ड टू द एंड ऑफ द ट्रेंच। वी कुड सी, हम देख सकते थे, द लो फ्लेम्स, धीमी धीमी लपटों को, फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, जो कि लाल और दहकते कोयलों से निकल रही थी, लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, वो उसके नंगे पैरों को चाट रही थी, नंगे पैरों को चपेट में ले रखा था उन फ्लेम्स ने, उन लपटों ने, एज ही स्लोली वॉक्ड, जैसे वो धीमे धीमे जा रहा था, टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, उस गहराई के, उस खाई के छोर की तरफ जब वो जा रहा था, तो हम देख सकते थे कि जो लपटे थी उसके नंगे पैरों को चाट रही थी, उसके चिपट रही थी उसके पैरों के चारों ओर। वेन ही रीच्ड इट, जब उसने पार कर लिया था इसको, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि मानो वो संतुष्ट ही नहीं हुआ पार करके, ही टर्न अराउंड एंड वॉक्ड बैक द सेम वे, वो फिर से मुड़ा उस खाई में, एंड वॉक्ड बैक द सेम वे, और उसी तरीके से वो वापस चल दिया उस खाई के ऊपर। ही देन स्क्वैटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो जमीन पर बैठ गया, स्क्वैटेड उकड़ुक बैठ गया, जेस्चर टू हिज फीट, और अपने पैरों की ओर उसने हाव भाव किया, लोगों से इशारा किया, जेस्चर अपने पैरों की तरफ देखने का इशारा किया, एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सभी को आमंत्रित किया पैरों का निरीक्षण करने के लिए, वी डिड, और हमने किया, एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज अ ब्लिसर एनीवेयर टू बी सीन, और हमको कहीं भी अ ब्लिसर, एक फफोला भी नजर नहीं आया, ब्लिसर मीन्स फफोला, आग से जलने की जगह, हमको आग से जलने की जगह ही नजर नहीं आई। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ आया धक्का देते हुए लोगों में, आगे की तरफ धक्के के साथ आया मैं, आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, भीड़ में से मैं आगे आया, टू गेट अ क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, इस आश्चर्यजनक व्यक्ति के
को देखने के लिए जो कैरेक्टर पात्र, जो पात्र जिस पात्र ने ये अभिनय किया, जो आग के ऊपर जला चला था, उस आग पर चलने वाले पात्र को नजदीकी से देखने के लिए मैं भीड़ में आगे आया। एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, और जैसे ही मैं उसकी बगल में बैठा, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इन टू माई हैंड, मुझे लगा कि कोई चीज मेरे हाथ में ठूंसी जा रही है, थ्रस्ट, कोई चीज मेरे हाथ में ठूंसी जा रही है जबरदस्ती से। इट वॉज अ हैंडकरचीफ, ये रुमाल था। एंड इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, और तभी मैं उसको पहचान पाया कि ये वही व्यक्ति था जिसकी मैंने मदद की थी। तो यहाँ पे हम पार्ट सेकंड यहाँ पे रुकते हैं। मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा है, बहुत सारे लेसन्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी पोएम्स और कुछ लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्द ही मैं आपकी पोएम्स जब आप स्टडी कर लेंगे तो स्टेंजा पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का, वो स्टेंजा आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके वीडियोस बहुत जल्दी ही मैं मंडे से डालने लगूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से पार्ट थर्ड इसका हम स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे कि इस कोरोना महामारी के दौरान सभी छात्र घर पे बैठ करके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे, मिलेंगे पार्ट थर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद।